सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी द्रौपदी स्वयंवर पढ़ेंगे। वैसे तो चिर परिचित विषय है और आप सभी इस विषय के बारे में अच्छे से जानते हैं, फिर भी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से आज हम पाठ संख्या 12 शुरू करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जिस समय पांडव इकचक्र नगरी के ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियाँ होने लगी। एक चक्र के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी एक चक्र नगरी के क्षमा कीजिए द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी एक चक्र नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पंचाल के देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आटके पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे, इस कारण कोई उनको पहचान ना सका। स्वयंवर मंडप में एक वृद्धाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशान यानी मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। ये सब किस्सा तो आप सभी जानते ही होंगे और काफ़ी सुना भी होगा। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठा हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तानकर प्रत्यंचा भी चढ़ाने शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यों खड़ा होते देखकर सभा में भी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह के चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। आप सभी जानते हैं अर्जुन कितने कुशल धनुषधारी थे और कितने अच्छे तीरंदाज थे। आइए देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी ना करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों को देखते देखते निशाना टूट कर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वो आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ करना बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया, राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह तुरंत लौट आया और उसने पिता से बोला, पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगशाला पकड़े जब जाने लगी
तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद की बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुँचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। ये जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाए। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। ये विचार को उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पाँचों पांडवों का विवाह हो गया। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने तो द्रौपदी विवाह देखा। अगली कक्षा में आप सभी इंद्रप्रस्थ पढ़कर आएंगे और इससे संबंधित प्रश्न मुझसे ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पूछेंगे। तो आप सभी का आज का गृह कार्य होगा इंद्रप्रस्थ पढ़ना है और संबंधित प्रश्नों को ऑनलाइन कक्षा में शामिल करेंगे। धन्यवाद।